हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 4.3 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड टू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन वन अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्वेश्चन वन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी थी उन्हें आपको सॉल्व करना है। क्या क्या दे रखी थी, जस्ट अ सेकंड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में ये आपको 4 दे रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट में जब इन्हें सॉल्व किया था तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं, अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी बुक में शायद श्रीधराचार्य लिखा होगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों ही सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं इस सेशन में थर्ड और फोर्थ पार्ट को ही डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं अपने। देखिए, थर्ड पार्ट कह रहा है आपके पास 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये कह रहा है क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन करके। द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो इससे कंपैरिजन करके हम लोग यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, x² का कोफिशेंट यानी 4। b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशेंट क्या है, 4√3। और c यानी कॉन्स्टेंट टर्म, ये है हमारे पास 3। ये वैल्यूज आने के बाद आप लोग अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, -p + √b² - 4ac/2a। यही आपके पास फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करते हैं। -4√3, हाँ मैं सही हूँ बिल्कुल, +√b² यानी 4√3² - 4ac। 4 * a की वैल्यू क्या है, 4, और c की वैल्यू 3। ये हो गई आपके पास वैल्यूज। नीचे क्या है, 2a यानी 2 * 4। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ वैल्यूज पुट करिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा वैल्यू पुट करते टाइम, गलत वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा। देखिए, -4√3 तो एज इट इज रहा, +4√3² यानी 4² = 16। √3² करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 16 * 3 यानी 48। -4 * 4 = 16 = 3, ये भी वही हो गया 48। और अपॉन में क्या है हमारे पास, 2 * 4 यानी 8। ये वैल्यू तो आपके पास 0 हो गई, तो ये अंडर रूट वाला पार्ट तो चला गया। आपके पास क्या बचेगा, 4√3/8। इसे और सॉल्व करना चाहिए, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, -√3/2। सो इससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई क्या आई है, -√3/2। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या है, रूट है। आप लोग अगर चेक करना चाहें तो आप एक सिंपली जो फॉर्मूला, मतलब सिंपल जो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं या एलसीएम लेके सॉल्व जो करते हैं उससे आप कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ये आंसर आएगा -√3/2। ओके, तो इस तरह से आई होप आपके ये थर्ड पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फोर्थ पार्ट को भी एक बार देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2x² + x + 4 = 0। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट। अब इसमें क्या, वही सेम मेथड है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए बी सी की वैल्यू, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 2, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और सी यानी कॉन्स्टेंट टर्म जो हमारे पास 4 दे रखी है। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपके पास मिल गई। फॉर्मूला क्या था आपको याद रखना होगा, x = -b + √b² - 4ac/2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b यानी कि -1 हो जाएगा ये, √b² यानी 1² -4 * ac मतलब 2 * 4। वैल्यूज पुट करिए, बस और कुछ नहीं कराया मैंने, आप भी वैल्यूज ही पुट करिएगा। और नीचे 2 * 2, x = -1 as it is रहा, +√
वन का स्क्वायर तो 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 4 जा 32, नीचे 2 इंटू 2 4। अब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 यानी माइनस का 31 और ये हो जाएगा नीचे 4। देखिए अब इससे ज़्यादा हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई नंबर आए और उसके साथ माइनस लगा हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। आप लोग 9th क्लास से क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स। तो दो तरह के हमारे नंबर होते हैं, एक रियल नंबर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। आप लोग क्लास 11th में अगर मैथ्स लेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस में अंडर रूट में, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकता है इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन? ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें एक्स की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप नहीं निकाल पाएंगे उस वैल्यू को, ठीक है ना। हो सकता है कॉम्प्लेक्स कोई वैल्यू हो लेकिन रियल वैल्यू तो नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज नो रियल रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इक्वेशन उसका कोई रियल रूट नहीं है। ओके, रियल लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट में भी पढ़ा होगा, जैसे उसमें कहा गया था ना नो रियल रूट्स, जिसमें यही जो था बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसकी वैल्यू 0 से नीचे आती थी यानी नेगेटिव आती थी, तो मतलब नो रियल रूट्स, बुक में भी लिखा था रियल रूट्स, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकता है, रियल नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इससे इसका आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये थर्ड और फोर्थ पार्ट क्लियर हो गए होंगे। प्लीज क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।